शांति नगर पुलिस थाना अंतर्गत चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने योजना बनाकर आरोपी को धर दबोचने में कामयाब हुई। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त सचिन थोरबोले ने दी। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर एक बार आपने कोई गुनाह किया तो आपका पुलिस से बच पाना बेहद मुश्किल है। अब ऐसा ही कुछ शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले झाड़ी चौक में 23 अप्रैल को रात के लगभग 11 बजे एक 23 वर्षीय महिला वॉकिंग कर रही थी, जिस दौरान दोपहिया सवार आरोपी शाहिद अली आया और महिला के गले से 6 ग्राम सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। इस बारे में रविवार को शांतिनगर पुलिस थाना को जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने योजना बनाई और आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त सचिन थोरबोले ने अधिक जानकारी साझा की। शांतिनगर पुलिस स्टेशन चौक अंतर्गत दिनांक 23/4/2021 रोजी संध्याकाळी 11 वाजता झाडी चौक येथे एक महिला 23 वर्षाची महिला जेवण करून वॉकिंग करत असताना एक आरोपी सन्नामे शाहिद अली हा दुचाकीवरून आला आणि त्या महिलेच्या गळ्यातील 6 ग्रॅम सोन्याची पोत हिसकावून पळून गेला। त्यानंतर आम्ही तपास पथकाने आमच्या शांतीनगर डीबीच्या PSI बकाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली काल आम्हाला माहिती मिळाली आणि त्या अंतर्गत आम्ही सापळा रचून त्याला काल अटक केलेली आहे आणि आज रोजी ते PCR मध्ये आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। बता दे की आरोपी के खिलाफ 1 महीने पहले भी गाड़ी चोरी करने का प्रयास करने का मामला शांतिनगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया था। तब आरोपी बेल पर रिहा हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरोपी ने सदर घटना में अपने दोस्त की दोपहिया गाड़ी का इस्तेमाल किया था। इस घटना में आगे की जाँच पुलिस द्वारा जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।